तो फ्रेंड आपने मूली के पराठे और मूली की रेसिपी तो बहुत बार बना के खाई होगी, बट आज हम बनाएंगे मूली का लंच की रेसिपी जो पूरी के साथ, पराठों के साथ, दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मूली की सब्जी है, तो चलिए बनाते हैं मूली की सब्जी। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल बी एल पी बनना है किचन में। तो गाइस हम कढ़ाई को रख देंगे हीट होने के लिए। मूली को सबसे पहले धो लेना है, काट लेना है, साथ में कुछ आलू काटेंगे, मटर भी डालेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे तेल और तेल को फैला लेंगे ताकि ये हमारी जो सब्जी है चिपके ना, जले ना। तो तेल जब हमारा हीट हो जाएगा, देख सकते हैं 2 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाला है, और डालेंगे थोड़ा सा मेथी, 1/4 चम्मच मेथी है और 1/4 चम्मच ही मैंने जीरा डाला है। उसमें डालेंगे 8-10 कड़ी पत्ते, इन्हें तड़कने देंगे। तड़कने के बाद डालेंगे हम 4 से 5 हरी मिर्ची, मिर्ची को बीच से चीरा लगा लें। आप चाहे आप जैसे डालना चाहते हैं उसे काट के डाल लेंगे। साथ में डालेंगे 8-10 लहसुन की कलियाँ, रफली से चॉप कर लेना, काट लेना और डाल के और जला होने तक इन्हें भूनेंगे। तो हमारा फ़ौरन जल चुका है, देख सकते हैं। मूली, आलू और मैंने मटर लिया है। आलू मूली मटर को मैंने धो के काट लिया है। अब इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो तेल है इस सब्जी में मिक्स हो जाए, कोट हो जाए। तो सबसे पहले इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, सब्जी को चलाते हुए अलट पलट के मिक्स करना है ताकि इसमें फ़ौरन जो है, सारे फ़ौरन जो मैंने डाला है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका टेस्ट आ जाए उसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार, इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप अपनी सब्जी के हिसाब से डाल लें, मैंने अपनी सब्जी के हिसाब से डाला है। उसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, और कुछ नहीं डालना है। इतनी सब चीज़ों से ही हमारी जो रेसिपी बन के आएगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होगी। मसाला है नहीं इसलिए हेल्दी भी है। तो हल्दी और नमक को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करते हुए इसे हम कवर करके इसे पकाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कहीं ज़्यादा कहीं कम ना लगे। जब हमारी रेसिपी बन के आएगी तो इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी होगी कि आप ऐसे ही नाश्ते में, लंच में या सफ़र के लिए भी बना के किसी को दे सकते हैं, बच्चों को टिफिन में बना के दे सकते हैं, या कोई जो ऑफिस जाने वाले हैं उनको आप लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। पराठों के साथ, पूरी के साथ भी अच्छा लगता है, हल्का हल्के फुल्के भूख में ये पूरी के साथ भी अच्छा लगेगा। आप पराठों के साथ अच्छा लगेगा, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा, और दाल चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। और गाइस मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मजेदार रेसिपी का लुत्फ उठा सकें। तो गाइस अपनी सब्जियों को बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाना है ताकि ये जले नहीं, देख सकते हैं ये बहुत चिपकता है। इसमें मूली डाला जो मूली की वजह से बहुत चिपकता है, बहुत इजली बन जाता है, गल जाता है, टाइम नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी भी है। और आप जब ये बन के आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूली का, ऐसे मूली का स्वाद नहीं आता है। तो गाइस हम इसे एक बार चलाते हुए, मिक्स करते हुए चेक कर लेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी गला है या नहीं। और जब हमारी सब्जी कुक हो जाएगी, देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और इजीली कुक हो भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो जब हमारी सब्ज़ी कुक हो जाएगी तो 1 मिनट के लिए इसे और भूनेंगे ताकि थोड़ा सा और ब्राउन जैसा दिखने लगे, अच्छा दिखने लगे। उसके बाद से हम गैस को करेंगे ऑफ, और गैस से इसे नीचे उतार के इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया से सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, उसका फ्लेवर बदल जाता है, एक अलग सी खुशबू आने लगती है सब्जी में। तो हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब्जी उतारने के बाद ही हरा धनिया डालेंगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और सब्जी जब चूल्हे पर आता है उस समय डालते हैं तो जो धनिया होता है गल जाता है, और उस उतना स्वाद उसका नहीं आता जितना बाद में डालने से आता है। तो हमारी सब्जी बनके हो गई है रेडी, अब इसे लगाएंगे हम प्लेट में, गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो गाइस कैसा लगा मेरा आज का ये मूली की सब्जी की रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड रेडी हमारा बन के गर्मा गर्म मूली की लंच रेसिपी। आप चाहे तो इसे पराठों के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे प्लेट में लगा लेंगे, रखेंगे रोटी, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा प्याज बारीक काट के सलाद के लिए, 2 हरी मिर्ची और प्याज, कच्चे प्याज के साथ खाने में इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा फिर आप इसे इस तरह से बना के, और कमेंट करके बताइएगा।
तो लीजिए रेडी है हमारा आज का लंच की रेसिपी, थाली मेरी तैयार है, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।